वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रीमियम टेक आइडियाज। आज हम बात करेंगे Asus ROG सीरीज के लेटेस्ट मॉडल Asus ROG 3 पर। Asus एक ताइवानी स्मार्टफोन कंपनी है जो चाइना के वन प्लस के मॉडल्स को बहुत टक्कर देती है। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसके फीचर्स को समझते हैं। ताइवानी स्मार्टफोन कंपनी Asus की ओर से Asus ROG सीरीज लॉन्च की गई थी। अब कंपनी इस सीरीज के थर्ड मॉडल लेकर आई है। यह फ़ोन ऑफिशियली जून लास्ट तक चाइना में लॉन्च होगा और इंडिया में यह फ़ोन आपको जुलाई लास्ट तक देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले फीचर्स की। बात करें कैमरा सेटअप की तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जिससे आपकी सेल्फी बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही अट्रैक्टिव देखने में लगती है। Asus ROG 3 में आपको 6.9 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा विथ रेजोल्यूशन ऑफ 1080x2340 पिक्सल्स। ये स्क्रीन आपको वीडियो देखने का एक्सपीरियंस और गेम खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़ा देगी। बात करें मिलने वाले प्रोसेसर की तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर जो कि 3 GHz पर क्लॉक्ड है देखने को मिलता है, जिससे यह फ़ोन एक गेमिंग फ़ोन बन जाता है। इस फ़ोन में आप बड़े बड़े गेम्स आसानी से खेल सकते हैं जैसे कि फ्री फायर, एसफेल्ट 8, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, डेड और अलाइव एंड मैनी मोर लाइक दैट। इस स्मार्टफोन में कंपनी ने 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी है जो कि 30 W के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। यह फ़ोन आपका 30 मिनट में 50% चार्ज आसानी से हो जाएगा जिससे आपका फ़ोन गेमिंग के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। बात करें कनेक्टिविटी की तो इसमें आपको 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा। देखिए इंडिया में अभी 5G नेटवर्क है नहीं, लेकिन मुझे लगता है जियो ही सबसे पहले 5G नेटवर्क लाएगा। लेकिन जैसे ही आपको इंडिया में 5G नेटवर्क उपलब्ध होगा वैसे ही ये फ़ोन आपको 5G कनेक्टिविटी देता है जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बहुत अच्छी वीडियो स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी। और इस फ़ोन में हमारा प्यारा 3.5 जैक अभी भी इस फ़ोन में मिलता है जो कि बहुत से आजकल स्मार्टफोनों में मिलना बंद हो चुका है। बात करें इस फ़ोन की रैम और इंटरनल मेमोरी की तो Asus ROG 3 फ़ोन को 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। सबसे पहला वेरिएंट है 8GB रैम प्लस 128GB की इंटरनल मेमोरी और दूसरा वेरिएंट है 12GB रैम प्लस 256GB की इंटरनल मेमोरी और थर्ड वेरिएंट है 16GB रैम प्लस 512GB की इंटरनल मेमोरी। अब देखिए इतने बढ़िया वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं जिससे आपको स्टोरेज का प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला है, ये बात मैं श्योर कर देता हूँ। और साथ ही इनकी बैटरी बैकअप इतना अच्छा दिया गया है जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात करें कंक्लूजन की तो यह फ़ोन जब भी इंडिया में लॉन्च होगा यह फ़ोन चाइना के बहुत से मॉडल्स को बहुत कड़ी टक्कर देने वाला है, जैसा कि चाइना के सबसे प्रीमियम मॉडल वन प्लस के फ़ोन्स को बहुत टक्कर देगा। यह फ़ोन थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर रहेगा लेकिन इसमें आपको जो परफॉर्मेंस और जो रैम वगैरह और जो बैटरी बैकअप मिलेगा ना वो चाइना के फ़ोन्स के मुकाबले थोड़ा अच्छा मिलेगा। और देखिए आप जब भी ताइवानी स्मार्टफोन कंपनी के स्मार्टफोन खरीदेंगे तो आप चाइना के स्मार्टफोन नहीं खरीद रहे हैं, तो जिससे आप बायकॉट चाइना के प्रोडक्ट्स का भी कर रहे हैं। ये वीडियो आपको देखने में कैसा लग रहा है? अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब देखिए इसमें मैंने फ़ोन के विषय में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब एक्सपेक्टेड है। वीडियो से जुड़े अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका सब्सक्राइब करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। अब होगी अगली मुलाकात ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्माइलिंग।